आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन, सोशल वर्कर। ये कॉलेज की किताब है और ये पेन है मेरे भाई, आप देख सकते हैं वीडियो के जरिए। आजकल हमारा माजरा इतना ख़राब हो चुका है, आप पूछो मत। या आपके कोई भी फैमिली रहें दो, या बहन रहें दो, भतीजी रहें दो, चाहे आपके कोई भी रिश्तेदारों में रहें दो, मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ, अपनी बहन को कॉलेज को अगर छोड़े तो कॉलेज को कब छोड़े, घर को कब आ रही उन्हें, आप लोग तहकीकात करिए मेरे भाई। कुछ लोग हैं ऐसे, हमारी मुसलमान बच्चियों को लिख जाके दोस्ती करे, फ्रेंडशिप करे, लिख जाके पार्कों में, कई लोग अब हमारी बच्चियों को ख़राब कर दे रहे। तो आप लोगों के हाथ में है मेरे भाई, मेरी बहन कब जा रही, कब आ रही, आप लोग क्या है पूरा डाटा लीजिए। अगर बच्ची कॉलेज में अगर एक दिन में नहीं आई, उसका काम है स्कूल के सरकार के घर वालों को इतला करे। और बच्ची कब लिखा रही, कब आ रही, पूरी इतला आपको देना वहाँ पर स्कूल वाले। आजकल बच्चियाँ कॉलेज को जा रहे बोल के कई बच्चियों के पीछे चले आ रहे, पार्कों को कोई गाड़ियों पर घूमने चले आ रहे। अरे इतना तो हो गया माजरा के बच्चियाँ सिलगट पी रहे हमारे, बहुत शर्म की बात है। एक वीडियो देखा मैं, एक नौजवान बच्ची है, मैं मतलब एक 20-22 साल की बच्ची है, एक्टिवा गाड़ी पे बैठ के सिलगट पी रही उन्हें, और हमारे हिजाब को हिजाब है पहनी हुई है उन्हें, आप देख सकते हैं वीडियो के जरिए, कितनी शर्म की बात है मेरे भाई। ये देखो मैं वीडियो बता रहा हूँ बच्ची का, कैसा सिलगट पी रही है बुरखे पे, आप देखो वीडियो के जरिए। गाड़ी पे बैठी हुई बच्ची सहेली के साथ, नोज पीस चेहरे पे लगावानी है, एक हाथ में सिलगट, एक हाथ में गाड़ी पकड़ी और जेब में से मोबाइल निकाल रही उन्हें, कितनी शर्म की बात है। कोई क्वेश्चन पूछा तो बोल रही तेरा क्या जा रहा, पूछ रही बच्ची, तो हमारा माजरा कहाँ जा रहा मेरे भाई, आप देखिए वीडियो के जरिए। तो मैं अपील करता हूँ मेरे भाइयों को, बहनों से, आपकी बहन हो या भतीजी हो, कॉलेज को कब जा रही, कब आ रही, आप लोग डाटा लीजिए आप लोग। अब ऐसा तो हो गया बच्चियाँ दीवाना बना दे रहे माँ बाप को, जा रहे दूसरों के साथ आशिकियाँ कर ले रहे पार्कों में, कितने बच्चियाँ जा रहे देखो। माँ बाप बच्ची को पढ़ाते गए को वक्त ज़रूरत पर अपने हाथों पर खड़ी रहना, उन्हें कुछ होना रहना, जैसा वकील बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कई किस्म के रहते कि माँ बाप, तो माँ बाप क्या चाहते, बच्ची कुछ काबिल बनना। आजकल के बच्चियों का ऐसा फैशन हो चुका है, गाड़ी ले ले रहे, मोबाइल ले ले रहे, रोडों पे इतने बड़े बड़े बुरखे पे ले रहे, क्या है मेरे भाई हमारे माजरा। पहले हमारे बुरखा बोले तो एक सुन्नत थी, एक अदब कायदे में लोग बुरखा पहनते थे, आजकल के बुरखों का ऐसा फैशन हो चुका है कुछ पूछो नको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई आप लोग का बुरखा ऐसा पहनो वैसा पहनो, आप लोग की इज्जत है, एक तरीका है। आजकल हमारा माजरा इतना ख़राब हो चुका है पूछो नको आप। इतने पार्कों में बच्चियाँ बैठे हुए हैं कॉलेज को जा रहे बोल के लोगों को दीवाना बना रहे, कई गंजेड़ों के पीछे भी है पुटोंगे। तो माँ बाप चाहते मेरी बच्ची पढ़ लिख के अच्छी बनना, अच्छे घर में शादी करना बोल के, तो माँ बाप ये सोचते, तो माँ बाप के पीछे बद पीछे बच्चियाँ ऐसा काम करे। चाहे कौन से भी पार्क में जाओ कई बच्चियाँ मिलेंगे आपको। तो मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ उनके माँ बाप से कि अपने बच्चों को आप लोग एहतियाती करिए। सबसे ज़्यादा ये बोल रहा हूँ भाई, एक कैमरा लगा दीजिए वहाँ पर, बच्ची कब लिख रही बाहर कब आ रही, सुने आप वहाँ बैठ के आप लोग देख सकते। अगर एक दिन भी अगर बच्ची कॉलेज को नहीं आई तो प्रिंसिपल घर पर आपके फ़ोन करना, फलाने जगह बच्ची है, एक डायरी पापन कर दो, बच्ची कब अंदर जा रही कब आ रही पूरा रजिस्टर्ड में लिखा लो आप लोग। बहुत माजरा ख़राब हो चुका है मेरे भाई, कई गैर लोगों के पीछे बच्चियाँ जा रहे, बहुत शर्म की बात है। मैं देखा तो अफसोस कर लिया मेरे भाई, आलों से अपील करता हूँ कि आप लोग दिन तालीम को भूल गए, कुरान शरीफ पढ़ाइए बच्चियों को आप लोग, ज़्यादा हो सका तो आप लोग थोड़ी बहुत पढ़ाई पढ़ाइए, उसके बाद घर में बिठा लो मेरे भाई, खाना पीना पकाना नमाज कुरान शरीफ ये सिखा दो आप, ये सब काम आने वाले हैं आपको। समय पहले तो कुरान शरीफ नमाज काम में आने वाले, उसके बाद घर को लेके चलना बच्ची। पहले के ज़माने में अगर बच्ची बाहर निकलना बोले तो बहुत अफसोस की बात है, नहीं निकलती थी, आजकल ऐसा फैशन बन चुका है पूछो मत। आप सबसे अपील करता हूँ मेरे भाइयों से कि आप लोग ये बात को पाबन करिए, अपने अपने बहनों को देखिए आप, कई लोगों के पीछे चले आ रहे अपने बहना, सिर्फ गलती हमारी है किसी की नहीं है गलती। सुने भाई, आजकल तो बच्चियाँ ऐसा हो गया पूरा चेहरे पे अगर पूरा नकाब रहता था पहले के बच्चियों में, आजकल बच्चियाँ फैशन बन चुका है ये खूबसूरत चेहरा लोगों को बता रहे, बहुत शर्म की बात है मेरे भाई। ऐसा मत करिए मेरे भाई, शादीशुदा लोगों से कहना चाह रहा हूँ, बैचलर मेरी माँ बहनों से कहना चाह रहा हूँ, पर्दे को पाबन करिए, बुरखे की इज्जत करिए, किसी गैर आदमी को अपना चेहरा मत बताइए मेरे बहन, वो आपकी बहन है हमारी भी बहन है मेरे भाई। अगर मैं कुछ गलत बोला तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाई, बुरखे का एहतराम करिए आप लोग। अब पढ़ाई कुछ काम में आने नहीं है अब, सुने मेरे भाई, सिर्फ नमाज कुरान शरीफ काम में आने वाली है, सिर्फ माँ बाप की दुआ काम में आने वाली। अगर मेरी बहन अगर शादी करके भी जाएंगी तो अच्छी ज़िंदगी करेंगी,
बस यही चाह रहा हूँ कि बच्ची अपनी ज़िंदगी अच्छी कर लेना, शौहर के साथ अच्छे रहना, माँ बाप का नाम ऊँचा करना। आजकल के बच्चियाँ 4 दिन जा रहे शादी कर ले, आज आ जा रहे माँ बाप से लड़के घर में बिठा दे, माँ बाप तायद कर रहे उसकी। तो माँ बाप चाहना है अगर तेरी शादी हो गई तो मरे दम तक तेरा वाइच ससुराल में तेरा दम जाना, हम शादी कर दिए ख़त्म। तो वो हिम्मत देना माँ बाप, आजकल के माँ बाप सर पे चढ़ा ले रहे बच्चियों को, ऐसा मत करिए मेरे भाई, आपसे अपील करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु, मैं खाजा अली मदनी सोशल वर्कर।